बेंजोफिनोन का आईपीसी नेम लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल है, अपनी दो बेंजीन बना दो। बेंजीन कैसे बनती है देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन रहेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक यहाँ बेंजीन बनाओ इसके साथ ही साथ, इसमें भी आपका सेम डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपको बनाना है एक कार्बन और उसके साथ डबल बॉन्ड ओ जोड़ देना है। देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ, कार्बन की कितने बॉन्ड बनाते हैं आपके, 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये है आपका बेंजोफिनोन, ओके। तो इसके दोस्तों हम आईपीसी नाम की बात कर लेते हैं, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे इसका जो प्रेफर्ड आईपीसी नेम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका क्या है, कीटोन। देखिए यहाँ पे ऑन देखते आपको पता लग गया होगा कीटोन, कीटोन क्या होता है देखो, ऐसे जहाँ पे आर आपका फेनिल या एल्किल ग्रुप है, तो ये यहाँ पे आपका फेनिल नंबर 1 या फेनिल नंबर 2 जुड़ा, यानी बेंजीन को जब हम सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। तो यहाँ पे कितने फेनिल जुड़े हुए हैं, 2 फेनिल, तो हम इसको ऐसे कहेंगे। देखिए 2 के लिए डाइसबल यूज होता है, डाइफेनिल। और यहाँ पे कितना कार्बन, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, मैथ कहते हैं। देखिए ये आपका पेरेंट चेन, आईपीसी नाम कैसे लिखा जाता है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट किया जाता है, पेरेंट चेन उसको कहते हैं जिसमें आपका, यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है, इस कार्बन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने 1 कार्बन को मैथ, और इसको एल्केन की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी इसके साथ क्या आएगा आपका, ANE। लेकिन यहाँ पे कीटोन का जब हम सफिक्स ऐड करेंगे ONE, तो ये E गायब हो जाएगा, केवल क्या आएगा, AN और उसके बाद आपका साथ में ONE। तो ये आपका इसका प्रेफर्ड IPC नेम होता है, डाई फेनिल मैथेनॉन। अब देखिए इसके कुछ अन्य नाम भी है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है आपका बेंजो फिनोन, अन्य नाम को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक है आपका फेनिल और इसको कह दिया हमने कीटोन, एक अदर नाम है आपका डाई फेनिल कीटोन, ठीक है, मतलब 2 फेनिल आए हुए हैं, तो इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, डाई सब जोड़ दिया, डाई फेनिल कीटोन। और इसको आपका यह भी कहता है, बेंजोइल और आपका बेंजीन, BENZOYL और बेंजीन, ठीक है। और इसको यह भी कहते हैं देखो, यह अदर नाम है, ठीक है, पहले प्रेफर्ड आईपीसी नाम बता दिया, अब अदर नाम लिख रहा हूँ, बेंजोइल और उसके बाद आपका साथ में फेनिल। तो यहाँ पे बेंजोफिनोन के आपके ये नाम बनते हैं जो कि अभी हमने देखे हैं।